आज हम आपको तनाव प्रबंधन के बारे में बताएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले तनाव की बात कर लेते हैं कि तनाव होता क्या है। जो है तनाव होता क्या है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल की जो है जो आजकल का जो जीवन है जो है भाग दौड़ वाला, तो आजकल की जो भागती दौड़ती हमारी ज़िंदगी हम कह सकते हैं, तो जो है तनाव कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी बात को लेके हमारे मन में जो है कोई न कोई तनाव जो है होता रहता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा बड़ा कारण हमारा है कि जो आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो उसमें हम लोग स्थिर नहीं रह पाते हैं। तो किसी किसी जी हम लोग जो है ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो है किसी न किसी जो है कारण से हमेशा हमारे जीवन में कोई न कोई तनाव बना रहता है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि जो है ये तनाव का जो है जो दुष्प्रभाव है हमारे जीवन पर कभी कभी बहुत ही जो है घातक साबित हो सकता है। जो है इस तरह हम कह सकते हैं कि जो है आजकल का व्यक्ति, चाहे आप जिसको देखेंगे, किसी न किसी जो है चीज़ को लेके हमेशा जो है चिंतित रहता है। जो है कई लोग तो जो है उनको डिप्रेशन, माइग्रेन और जो है इसी तनाव के कारण से बहुत कई तरह से जो मानसिक अवसाद, जो मानसिक बीमारियां हैं, उनको जो है उन लेके झेलना पड़ता है। और जो है जो ये मानसिक बीमारी होती है, हमको पूरी तरह से जो है हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को पूरी तरह से हमको कमजोर कर देती है। और हम जो है सोचने समझने की जो हमारी शक्ति होती है, कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही छीण हो जाती है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है समझते हैं कि जो है तनाव के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि तनाव का मतलब क्या होता है, कि आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में जो है हम लोग स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, और जो है बच्चों में, युवा वर्ग में और जो है बुढ़ों में, हर प्रकार के जो लोग हैं किसी न किसी तनाव से जूझ रहे हैं, और जो है उनको कई तरह से मानसिक अवसाद या मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए इसका कारण तनाव का प्रमुख कारण, पहला अगर हम देखें तो तनाव का प्रमुख कारण जो है असफलता का भय आता है हमारा। चाहे तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि असफलता का भय। देखिए बच्चों, कहीं ना कहीं जो है जो एग्जाम देते हैं, जो किसी चीज की तैयारी करते हैं, और मान लीजिए कोई उद्योग शुरू कर रहा है, कुछ भी कोई बिजनेस या व्यापार, तो उसमें हमेशा उस व्यक्ति को हमेशा असफलता का भय बना रहता है। कोई कोई जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं वो सकारात्मक सोचते हैं, नहीं तो जो नकारात्मक विचार करते हैं तो जो है उनको असफलता का भय हमेशा रहता है कि कहीं हम इस कार्य को करने में असफल ना रह जाए। इसके बाद दूसरा प्रमुख कारण हमारा क्या है बच्चों, अकेलापन। हम ये तनाव का प्रमुख कारण क्या है, अकेलापन। जब इंसान जो है अकेले रहता है तो जो लोग बहुत सोचते हैं, तो जो है अकेलापन कहीं ना कहीं जो है उनको जो है तनाव में डाल देता है। वो हमेशा उस व्यक्ति का विचार होता है हमेशा नकारात्मकता की तरफ ज्यादा जाता है। तो जो है ये हमारा अकेलापन प्रमुख कारण है। इसके बाद देखिए हम कह सकते हैं कि जो है हमारा कारण सहनशीलता का अभाव, हम इसको भी ले सकते हैं कि देखिए जो हमको अगर हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई भी कार्य, बिजनेस, कुछ भी शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो है हमको हमेशा जो है जो हमारी सोच है वो हमेशा जो है स्थिर रखना चाहिए। उसमें हमको जो है किसी नकारात्मकता की तरफ नहीं जाना चाहिए कि मान लीजिए हमारा बिजनेस नहीं चलेगा या हम एग्जाम में पास नहीं होंगे तो इसका परिणाम जो है क्या होगा, बस उसी परिणाम को लेके हम जो है हमेशा जो है उसी में फंसे रहते हैं। तो इसलिए हमको जो है सहनशीलता की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए अगला प्रमुख कारण हमारा क्या है कि मान लीजिए कोई दुर्घटना या बीमारी का प्रभाव,
तो तनाव का प्रमुख कारण हम जो है दुर्घटना और किसी बीमारी को भी मान सकते हैं। मान लीजिए कोई दुर्घटना है तो हमेशा हमारे दिमाग में वही डर, वही चीज, हमेशा जो है वही पिक्चर हमारे दिमाग में हमेशा बनी रहती है कि कहीं ये हमारे साथ फिर ना हो जाए, तो जिससे इंसान हमेशा भयभीत अवस्था में रहता है। और मान लीजिए कोई किसी बीमारी से झेल रहा है तो हमेशा उसको असफलता का डर रहता है जो है कि कहीं जो है हम असफल ना हो जाए, तो तनाव पूरी तरह उनके ऊपर हावी हो जाता है। इसके बाद अगर देखें तो जो प्रमुख कारण होता है बच्चों हमारा, हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास की कमी। तो कई लोगों को खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं होता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम सफल होंगे कि नहीं, उनको हमेशा ये भय रहता है कि हम इस कार्य में कहीं असफल ना हो जाए। तो जो है देखिए अगर हम कहें तो विश्वास ही सब कुछ होता है जो है। अगर ये कहा जाए, अगर हम पहले से ही जो है अपने आप को कमजोर महसूस कर लेंगे तो निश्चित बात है कि हम उस कार्य में पूर्णतया जो है सफल, कहीं ना कहीं जो है हमारी सफलता में कहीं ना कहीं अवरोध जो है उत्पन्न होगा। इसके बाद देखिए अगर हम एक कारण और देखिए प्रमुख रूप से होता है तनाव के, कि भविष्य की चिंता। देखिए आजकल की जो भाग दौड़ की भरी जिंदगी, हमेशा जो है हमको जो है अपना अपने भविष्य को सोचने में जो है हम आधे से ज्यादा तनाव हम भविष्य के सोचने में लगा देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम क्या करें कि हमारा भविष्य और उज्जवल हो, या फिर कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमारे भविष्य में हम इस कार्य में सफल हो पाएंगे कि नहीं। तो इन लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है भविष्य की जो है अपने भविष्य के ऊपर इनको बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा जानकार ये लोग ले लेते हैं। तो इसके बाद देखिए बच्चों तनाव के प्रमुख कारण आप लोगों ने जान लिया। इसके बाद आता है तनाव के प्रकार। तो तनाव के प्रकार देखिए, तनाव अगर तनाव की बात आती है तो तनाव मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है, एक जो है सकारात्मक तनाव और दूसरा नकारात्मक तनाव। तो देखिए जो सकारात्मक तनाव होता है बच्चों, उसमें लोग जो है तनाव तो उनको तनाव तो रहता ही ऑलरेडी, लेकिन जो है मतलब जो तनाव रहता है वो थोड़ा सकारात्मक रहता है। तो तनाव तो हम कह सकते हैं कि जो है इसमें व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति एवं जो है कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, तथा उसे जो है सम्मान एवं आत्मसंतोष मिलता है, किसमें? सकारात्मक तनाव में। और जो हमारा नकारात्मक तनाव होता है, हम कह सकते हैं कि नकारात्मक तनाव में इसमें व्यक्ति की रचनात्मक एवं कार्य निष्पादन क्षमता का जो है ह्रास होता है, तथा व्यक्ति से असंतोष व निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं। ये हमारा बच्चों किसमें आ गया जो है नकारात्मक तनाव में। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो है तनाव मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है, पहला सकारात्मक दूसरा नकारात्मक। इसके बाद हम देखते हैं कि तनाव के प्रभाव, तो कुछ तनाव का प्रभाव भी पड़ता होगा। तो तनाव का प्रभाव, तनाव के प्रभाव की बात होती है तो देखिए तनाव हमारे शरीर पर बहुत ही ज्यादा जो है, अगर हम ज्यादा तनाव ले लेते हैं तो हमारे वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे ही प्रभाव डालता है। कभी कभी तो हमको बहुत बड़ी 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 बीमारियों का जो है सामना करना पड़ जाता है। देखिए तनाव तनाव का अगर हम बात करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य पर, तो हम पहले इसको समझते हैं ऐसे ही ओरल कि जो तनाव होता है हमारा सीधा उसका हमारे स्वास्थ्य पर ही प्रभाव पड़ता है। तो जब स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तो जो हमारी हृदय गति होती है, कभी कभी तनाव जो है अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारी हृदय गति पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद रक्तचाप पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद देखिए अगला हमारा पाचन शक्ति। तनाव के कारण ही हमारी जो है सारी बीमारियों का जड़ अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं तनाव ही होता है।
तो पाचन शक्ति पर जो है तनाव हमारा विशेष प्रभाव डालता है, उसके बाद मांसपेशियों में भी तनाव डालता है, फिर सर दर्द हुआ जैसे, और उदर विकार हुआ जो है, तो ये सब देखिए हमारा जो है तनाव जो है हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो संस्था पर प्रभाव, तो उसका क्या होता है, संस्था पर प्रभाव का मतलब होता है देखिए, जो नियोजन एवं प्रबंधन पर जब कोई हम कार्य कर रहे हैं तो उसके प्रबंध, अगर हम जो है अगर कोई कार्य अगर हम खुले मन से करते हैं, फ्रेश माइंड से करते हैं, तो उस कार्य के अरेंजमेंट में हमको ज्यादा परेशानी नहीं होगी और वो कार्य अच्छे से हो भी जाएगा। लेकिन अगर हमको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, तनाव है, तो हमारा वही कार्य जो है अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो है हमारा जो है हमारा भविष्य की रणनीतियों पर कह सकते हैं कि जो हमारी भविष्य भविष्य में जो हमने रणनीति बनाई है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उस पर भी जो है सीधा प्रभाव तनाव से पड़ता है। इसके बाद देखिए जो है बच्चों, आगे हम जो है आपने तनाव तनाव का अर्थ समझा, तनाव के कारण क्या होते हैं, तनाव के प्रकार, तनाव का प्रभाव। इसके बाद हम आपको जो है अगली वीडियो में तनाव प्रबंधन क्या होता है हम आपको बताएंगे। थैंक यू।